लोग कहते हैं कि जो घटना है वो पहले से ही लिखा होता है। हाँ, कहां लिखा होता है ये किसी को नहीं पता। क्या ये मुमकिन है कि हम खुद जाकर हमारा भविष्य देख आए, या फिर किसी का बीता हुआ कल? पुराने जमाने में कहा जाता था कि कुछ ऐसी चीज आएगी जो हमारे आवाज और हमारी हरकतों को रिकॉर्ड करेगी, पर किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। आज वही चीज टेप रिकॉर्डर और वीडियो रिकॉर्डर के नाम से जानी जाती है। समय के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बीते हुए कल को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन वो बीता हुआ कल अब भी वही मौजूद है। ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा को पकड़कर कुछ लोग किसी भी समय में पहुंच सकते हैं। इसे टाइम ट्रैवल कहते हैं। बस अपने अंदर की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बाहर की दुनिया की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है, जो पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। समय अपनी गति से चलता है और हम उसे भूत, वर्तमान और भविष्य के तीन हिस्सों में बांटते हैं। मुंबई में रहने वाले अश्विनी त्रिवेदी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो समय में यात्रा कर सकते हैं। कैसी होती है ये समय यात्रा और किस तरह से अश्विनी लोगों की मदद करते हैं इस यात्रा के माध्यम से? टाइम ट्रैवल एक इंसान के मन की वो शक्ति है कि इंसान अपने मन की शक्ति से टाइम में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी घटना देख सकता है, जान सकता है। तो टाइम ट्रैवल अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत स्किल है, इंसान के मन की शक्ति है, जिससे इंसान अपने जीवन के बारे में कुछ भी जान सकता है। टाइम ट्रैवल से पहले एक हल्का मेडिटेशन से अपने मन को शांत किया जाता है, बॉडी को रिलैक्स किया जाता है, और बाद में एक पूरा मेथड है जिससे हम अपने मन को ब्रह्मांड की उस तरंगों के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करते हैं, जैसे हम एक रेडियो को ट्यून करते हैं। और जैसे ही रेडियो को ट्यून करते हैं, जो भी रेडियो स्टेशन हमें सुनना होता है, या टीवी को जब हम ट्यून करते हैं, जो भी चैनल हमें देखना होता है, उस चैनल को हम टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम अपने मन को ट्यून करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आने वाली या जो हो चुकी है कोई भी घटना के बारे में हम जो जानना चाहते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। भौतिक शास्त्र में तीन प्रमुख सिद्धांतों पर विचार किया गया है। इनमें पहला है, प्रकाश की गति से भी तेज गति हो जाने पर हम लोग समय की यात्रा कर सकते हैं। वहीं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स तथा ब्लैक होल्स के जरिए भी ये संभव है। इसके अलावा समय की पट्टी में बने वर्म होल्स से भी समय में यात्रा की जा सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो समय में आगे यात्रा करना और सुखद या दुखद भविष्य में झांक कर आना हमेशा से ही इंसान की ख्वाहिश रही है। हम अपने मन से उस घटना पर होते हैं तो वहाँ घटना को होता हुआ देखते, सुनते, महसूस करते, और जो भी अनुभूति होती है उस समय पर टाइम ट्रेवलिंग के दरमियान, तो उस पूरी घटना की अनुभूति को पेपर के ऊपर शब्दों में और चित्रों के द्वारा उतारा जाता है। अगर हर इंसान टाइम ट्रैवल करना सीख जाए तो इस दुनिया से जुर्म मिट जाएगा, या फिर शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हर इंसान अपने आप में ही अद्भुत और अनोखा होता है। उसके अंदर की कला के जरिए वो ऐसा अनोखा काम कर जाता है कि उसे खुद को यकीन नहीं होता कि उसने ये काम किया। कहते हैं कि सब कुछ हमारे ही अंदर होता है, खोजने की जरूरत है चीजों को नहीं, अपने आप को। अब आप मानो या ना मानो।